इस टाइम हर स्टूडियो अपना यूनिवर्स बना रहा है, बट जिस चीज़ की कमी है वो है स्पाइडरमैन वर्स की। इस सोनी धीरे धीरे एक स्पाइडरमैन पूरा वर्स बना रहा है जो सारे स्पाइडरमैन और उसकी स्टोरी से चलेगा। सोनी हर चीज़ की कोशिश कर रहा है, बट सोनी फेल क्यों हो रहा है आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ स्पाइडर वर्स क्या है और कौन से एक्टर क्या रोल प्ले करने वाले हैं। तो मेरा नाम है विशाल, आपका स्वागत करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे चीज़ों के बारे में सोनी जो ट्राई कर रहा है स्पाइडरवर्स बनाने के लिए। तो बिना किसी को भी वेब मारे हुए और बिना रील के ट्रेंड के, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर स्टूडियो अपना यूनिवर्स बना रहा है, हम देख सकते हैं मार्वल यूनिवर्स, डीसी यूनिवर्स, जो एमसीयू और डीसीयू है, इवन जो हमारे इस सुपर हीरो जोनरा से बाहर है वो भी अपने यूनिवर्स बना रहे हैं। उसमें से एक जो भी फेमस है फास्ट एंड फ्यूरियस यूनिवर्स, ये भी बहुत पॉपुलर यूनिवर्स है। उसके बाद हमारी स्टार वॉर्स की भी चल रही है सीरीज, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स बना रहे हैं। तो उधर ही सोनी छटपटा रहा है और वो भी एक यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहा है स्पाइडरमैन, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। अभी तो उसको कोविड ने भी मार रखा है, बट उसको ध्यान देना है बहुत सारी जगह पे। अभी हमारा टॉम हॉलैंड के साथ उसकी स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी बहुत अच्छी परफॉर्म करी है। ये मूवी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली 6 नंबर पर मूवी है और ये सोनी और मार्वल ने मिलकर बनाया है। उसी के साथ अगर सोनी मार्वल से मिलकर चलता है तो उसके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। सोनी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर सॉल्व हो चुका था। स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम में हम देखते इस मूवी के अंदर 3 स्पाइडरमैन, जिसमें से 2 हमारे पहले वाले स्पाइडरमैन थे। बट इंटरेस्टेड ये है देखने का, जो सोनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, सोनी रिबूट पे रिबूट बनाया जा रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कौन सी टाइमलाइन किससे मिल रही है क्या नहीं मिल रही है। बट मार्वल इस रेस में सबसे आगे है, जहाँ पे अभी DCU अपने आप को ही सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे फ्रेंचाइजी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जिस हिसाब से मार्वल अपने फ्रेंचाइजी पे और अपने पूरे यूनिवर्स पे फोकस कर रहा है। उस चीज़ से मार्वल बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। लोकी के अंदर उसने मल्टीवर्स पूरा एस्टेब्लिश कर दिया और सोनी की प्रॉब्लम को जो रिजोल्व कर सकता था वो मार्वल ही था, और मार्वल ने स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ ऐसे ही करा। जो सोनी रिबूट पे रिबूट बना रहा था स्पाइडरमैन के, मार्वल ने उसको मल्टीवर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब सोनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई यहाँ पे। अब सोनी ढंग से ध्यान देगा, उसी के साथ हमें एक बढ़िया सा स्पाइडरवर्स देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर एनिमेटेड सीरीज, जिसमें से हमारे 3 स्पाइडरमैन की अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मूवी, और उन 3 डिफरेंट स्पाइडरमैन की कितने सारे विलन्स और उन इस विलन पे डेडिकेटेड मूवी, और उन सारे का सोनी एक स्पाइडरवर्स बना रहा है जिसके अंदर हमने अभी ध्यान दिया होगा तो एक रूमर भी आया था और लीक भी आया था, सोनी एक मूवी पे काम कर रहा है केविन डी हंटर पे। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मूवी देखने को मिल सकते हैं जो सोनी प्रोड्यूस करेगा अराउंड स्पाइडरमैन। एक और चीज़ है कि सोनी डिफरेंट डिफरेंट 2 स्पाइडरमैन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक पे काम करेगा, एंड्रो गारफी वाला। एक पे सोनी और मार्वल मिलके काम करेंगे, वो है टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन। टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन हमारा मार्वल में और थोड़ा वो सोनी में भी दिखता रहेगा। बट जो इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, एंड्रो गारफी वाला स्पाइडरमैन डेडिकेटेड सोनी यूनिवर्स में, जहाँ पे हमारा मोरबियस है, जहाँ पे हमारा वेनम है, और डिफरेंट विलन हमें देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ एक चीज़ जो इधर फिक्स हो गई, टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन अब मैच्योर हो चुका है, उसकी जो प्रॉब्लम थी अब बच्चों वाली नहीं रही है, उसकी प्रॉब्लम मैच्योर हो गई है। जब उसकी आंत में वो लाइन बोलती है, ग्रेट पावर के साथ आती है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी आंत में उसको छोड़ के चले जाती है, तभी टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन मार्वल के अंदर बड़ा हो जाता है और वहाँ पे स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन बन जाता है। उसी के साथ सोनी एक और करेक्टर पे डेडिकेटेड मूवी बनाने वाला है, मैडम वेब। अगर आपने कॉमिक्स भी पढ़ी है या इवन एनिमेटेड सीरीज देखा, तो उस मूवी या उस सीरीज में मैडम वेब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैडम वेब के पास पावर होती है मल्टीवर्स को एक्सेस करना, और सोनी इस पर भी डेडिकेटेड मूवी बना रहा है एक्टर के नेम के साथ, डेकोटा जॉनसन। और सोनी उसी के साथ मैडम वेब को एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाएगा सोनी वर्स का। उसी के साथ हमें 1 अप्रैल को मोरबियस मूवी भी दिखने वाली है। उसी के साथ इस ईयर के अंदर एनिमेटेड सीरीज स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स पार्ट 2 भी दिखने वाला है। तो सोनी धीरे धीरे पूरा अपना यूनिवर्स बिल्ड कर रहा है। बस आई होप सब ठीक जाए,
कोई ब्लेंडर मिस्टेक ना हो सोनी की तरफ से, जो सोनी पास्ट में कर चुका है वो दोबारा रिपीट ना करें। और उसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपको आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते जाओ, और बताना आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो के अंदर, तो वो भी हम फटाफट करेंगे बिकॉज अभी हम ग्रो कर रहे हैं। उसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम के साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सुपीरियर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।